हर बार ये कहते हैं कि ऑपोजिशन को कोई भी सब्जेक्ट पे बात करना है तो हम उनको पूरा समय देंगे, लेकिन आप जैसो बुलेटिन में बोलते हैं कि सिर्फ 1 मिनट बीजेपी, एक मिनट में हम क्या बात करेंगे अध्यक्ष। ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन की आवाज को दबाने का इस प्रकार से प्रयत्न करेंगे तो क्या हम बात करेंगे अध्यक्ष। ऑपोजिशन को बात करने देना चाहिए अध्यक्ष, नेशनल पार्टी अध्यक्ष, और सिर्फ एक मिनट बात में हम क्या बात करें अध्यक्ष। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब बात करिए अध्यक्ष, समस्या तो बहुत है, ये कोरोना वायरस के कारण कई लोग मर चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा जितना कार्य होना था वो कार्य हुआ, और निरंतर अध्यक्ष जहां जहां पर प्रॉब्लम आ रहा था हमारे से संपर्क में हेल्थ मिनिस्टर जी थे, कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रहा तो रिस्पॉन्स दे रहे थे, लेकिन उन्होंने जितना करना था वो करे। लेकिन आज कई ऐसे हॉस्पिटल्स है अध्यक्ष जहां पर, जैसे ऑपोजिशन ने भी कहा है कि डॉक्टर्स की कमी है, नर्सों की कमी है, ये बिल्कुल सत्य है अध्यक्ष, स्टाफ कम है, उसको फिलअप करने की आवश्यकता है। आज तेलंगाना सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि तेलंगाना की जनता की जान बचाए, लेकिन ये कोरोना वायरस के कारण अध्यक्ष किस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटलों में जनता को लूटा गया, इंसान मरने के बाद में भी लाख रुपए बंधो, 2 लाख बंधो, 3 लाख बंधो, 4 लाख बंधो, तभी तुम्हें बॉडी मिलेगी, इस प्रकार से तेलंगाना में, हमारे तेलंगाना में जनता को लूटा गया अध्यक्ष। क्या एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर क्या कोई कार्रवाई हुई अध्यक्ष? शांति साथ अध्यक्ष, आज सरकार कह रही है कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया है और सेंटर से कोई सहयोग नहीं है, ठीक है, कम से कम कितना सहयोग मिला वो तो बताइए, वो नहीं बताएंगे, लेकिन सहयोग नहीं मिला ये तो बिल्कुल बताएंगे, चलेगा वो तो पॉलिटिक्स है। लेकिन अध्यक्ष जिसे ऑपोजिशन भी कहा है कि इस कोरोना वायरस के कारण डॉक्टर्स हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारीगण हो या सिपाही हो, जितने भी लोग, जो पुलिस के अधिकारी हो, वाटरवर्क्स के अधिकारी, ऐसे कई डिपार्टमेंट लोगों ने भी बहुत ही अच्छी सेवा की है अध्यक्ष, उनको धन्यवाद कहने की जिम्मेवारी भी हम सबकी बनती है अध्यक्ष। और मैं मेरी पार्टी की ओर से सबको, जितने भी लोग इस कोरोना वायरस के कारण जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है, जो सेवा की है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं अध्यक्ष। लेकिन आपसे निवेदन है अध्यक्ष के समय सबको बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि बात करने का अधिकार सबको है, और आप सिर्फ एक विधायक है और हम सिर्फ एक मिनट देंगे तो मैं और मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित है, एक मिनट में बात कर सकते हैं अध्यक्ष, बताइए आप 3 मिनट क्या बात कर सकते हैं, 3 मिनट हो गए आपका अध्यक्ष। अध्यक्ष आज आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी बनने के बाद में तेलंगाना में कुछ बहुत अच्छे परिवर्तन आए हैं, बहुत अच्छे परिवर्तन, और अभी भी उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है उसका मैं भी समर्थन करता हूं, करप्शन कम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ के प्रति भी मुख्यमंत्री जी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन जिन लोगों के कारण हमारे तेलंगाना की जनता को आज प्रॉब्लम आया है, उनके ऊपर भी एक्शन होना बहुत जरूरी है अध्यक्ष। और जितने भी जो गवर्नमेंट हमारे हॉस्पिटल्स है, मॉडल हॉस्पिटल का एक सपना था मुख्यमंत्री जी का, वो बनना चाहिए। जैसे मेरी विधानसभा में एक उस्मानिया हॉस्पिटल है, ठीक है, कई लोगों ने उसको नहीं तोड़ना है ऐसे वो समय पर भी कुछ स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन आज उस विधानसभा का मैं विधायक होने के कारण ये कहना चाहता हूं कि आप इमीडिएट वो उस्मानिया हॉस्पिटल, जो पुराना हॉस्पिटल है उसको तोड़कर नया हॉस्पिटल बनाइए। शासन सभा मंदिर को रेवेन्यू बिल